नमस्कार, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में सभी का स्वागत है। आज आप लोग को एचपी का अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, जिसमें कैसे आपको यूज करना है। और इससे आपका ये जो एचपी का जो है, इसका मॉडल नंबर है जेट 2131, जो कि आपका प्रिंट स्कैन कॉपी तीनों होगा। और ये जो प्रिंट होगा, कलर साइज का यानी कि कलर होगा, प्लस आपका जो आप देख सकते हैं, ये आपका इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका। चलिए आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपका ये ओपन करेंगे तो ये रहा आपका इसके साइड, ये आपका रहेगा आपका पावर केबल। ठीक है, ये आपका जो आपका मॉनिटर या फिर लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका सीडी, जो कि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। ये आपका जो कुछ ज़रूरत कागजें, जो कि आप कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में इसमें मिल पाएगा। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारा डिटेल्स दिया गया है आपका। ये जो क्रॉस है, ये है आपको, चलिए आज आपको दिखाते हैं आपको ओपन करके सबसे पहले। ठीक है, इसको आप ओपन, इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, ये रहा, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका क्रॉप है, ये आपका 1 2 3 4 बटन है। ये पावर जो बटन है, ये जो फर्स्ट में जो बटन है यानी क्रॉस का बटन दिया गया है, अगर आप प्रिंट करें इसको कैंसिल करना चाहेंगे बटन दबा के कर सकते हैं। ये अगर आप जेरोक्स करना चाहेंगे तो ये आपका बटन है, जेरोक्स कर सकते हैं ये बटन। और ये जो है कलर करना चाहेंगे तो ये कलर कर सकते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट करना चाहेंगे तो ये बटन पर आप कर सकते हैं। सारा यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका, यहाँ पे आपका ये रजिस्टर नंबर आने की आपका सीरियल नंबर मिल जाएगा। और इसका ये जो आपका ये कनेक्ट करेंगे आपका पावर केबल से, जो कि आप अब देख सकते हैं आपका पावर केबल है। यहाँ पे आप पावर केबल कनेक्शन कर सकते हैं। और ये आपका जो केबल है, ये आप कनेक्ट करेंगे लैपटॉप से या तो फिर मॉनिटर से। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ देख सकते हैं, ये आप जेरॉक्स कर सकते हैं या फिर स्कैन कर सकते हैं, या तो फिर आप देख सकते हैं आपको ये ओपन करने के बाद, अब उसके बाद ये आपका जो यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे कोई जो A4 साइज का जो आपका पीस रहता है यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओपन करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं आप ये जो आपका कलर वाला जो मिक्सिंग होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमने पहले डाल के रखा है। ये आपका कलर वाला जो मिक्सिंग है, ये साइड वाला जो है आपका, ये सब यानी ये आपका राइट में दिख रहा है, ये आपका रहा ब्लैक एंड वाइट। और ये जो आपका कलर है, आप ये कलर डाल सकते हैं दोनों अपने साइज करके। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। चलिए आपको ऑन करके दिखाते हैं आपको।